नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये हमारे पास अल्ट्रा स्लिम का एक न्यू किट है जिसको एक टीवी में इंस्टॉलेशन करने वाला हूं। तो नया किट को जब भी किसी टीवी में इंस्टॉलेशन करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और नया किट को टीवी में लगाते समय क्या क्या परेशानियां आ सकती है और उसको कैसे ठीक करते हैं, सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो किट को खोल लेते हैं और मैं दिखा देता हूँ किट में हमें क्या क्या मिला है। तो एक सर्विस मेनू का चार्ट मिला है जो कि ये बहुत काम का होने वाला है, आगे बताऊंगा। और इसको जब हम बाहर निकालते हैं तो देखिए किट में कुछ जैक दिया हुआ है और एक पैनल है हमारे पास। देखिए ये सारा जैक काम में आने वाला है और ये पैनल है तो इसको रखते हैं भी साइड में। और देखिए ये रिमोट है, तो चलिए इसको टीवी में फिट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका पैनल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका पैनल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ टीवी में जो है थोड़ा सा एक होल करना होगा ताकि इसका पैनल। तो दोस्तों इसका पैनल को देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ और अब जो है इसके ऊपर में इसका रेपर को जो है चिपका दूंगा। पहले चेक कर लेता हूँ इसका किट को इसमें फिटिंग करके। तो अभी जो है इसका किट को फिटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे योक का कनेक्शन करना होगा। तो योक का कनेक्शन करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे चार पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जो होता है वो वर्टिकल के लिए होता है। तो चलिए किट में मैं आपको बता देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट कौन सा है और वर्टिकल पॉइंट कौन सा है। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो आपका किट खराब हो सकता है या योक भी खराब हो सकता है। तो आपको यहाँ पे योक का कनेक्शन उल्टा नहीं, यहाँ पे इसका योक कनेक्शन यहाँ से निकला हुआ है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट जो है ये हॉरिजॉन्टल के लिए और ये दोनों पॉइंट वर्टिकल के लिए, यानी कि इधर से जो दो पॉइंट दिख रहा है ये वर्टिकल का और इधर से हॉरिजॉन्टल का। अगर आपको ज़्यादा बारीकी से समझना है तो देखिए हॉरिजॉन्टल का जो कनेक्शन होता है वो हमारा ESD से निकलता है और वर्टिकल का कनेक्शन जो होता है वो हमारा वर्टिकल IC से निकलता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पिन को अगर हम ट्रेस करेंगे तो ये देखिए ESD से इसका कनेक्शन निकला हुआ है, यहाँ से आया हुआ है ESD से इसका कनेक्शन निकला हुआ है। तो ये दोनों हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और ये दोनों हमारा वर्टिकल हो गया। तो अभी हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका जैक मिला है, देखिए इसका ये जैक मिला है, तो इसका जैक को हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। और इसका कनेक्शन जो है हम मिला करके कर लेते हैं। तो देखिए इसका योक का कनेक्शन मैं कर लिया हूं और ये ESD कैप को जो है मैं इसमें लगा दे रहा हूं अभी। इस तरह से इसका कैप को मैं लगा दिया हूं। और बेस बोर्ड को भी जो है मैं यहां लगा दे रहा हूं पिक्चर ट्यूब में। और अब देखिए पैनल का कनेक्शन जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा पैनल का कनेक्शन यहाँ पे जाएगा। पैनल से दो जैक निकला हुआ है तो दो पिन वाला जैक जो है इसमें लगेगा और ये चार पिन वाला जैक जो है इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये पैनल का भी कनेक्शन हो गया। अब जो है इसका ये डिकोजिंग कॉइल का कनेक्शन है, डिकोजिंग कॉइल का कनेक्शन जो है यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे डायरेक्ट AC 220 वोल्ट इन होगा जो कि यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, देख सकते हैं ये फ्यूज सॉकेट है, इसके अंदर फ्यूज है। तो अभी यहाँ मेन लाइन का कनेक्शन यहाँ पड़ेगा और यहाँ पे दो जैक जो आपको दिख रहा है ये दोनों स्पीकर के लिए है।
तो ये हमारा पुराना वाला वायर में जो है चार कनेक्शन एक ही जैक में है, तो अलग से हमें मिला है इस तरह का जैक देख सकते हैं। तो ये जैक को जो है स्पीकर कनेक्शन में जो है स्पीकर में कनेक्शन करना है और यहाँ पे दोनों जैक को लगा देना है। तो अभी मैं इसका जैक को यहाँ लगा दे रहा हूँ और ये वायर को जो है स्पीकर में सोल्डिंग करना है। देखिए ये दोनों वायर जो हमारा निकला हुआ है, तो ये दोनों वायर को दोनों स्पीकर में सोल्डिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों सारा कनेक्शन कर लिया हूँ स्पीकर वगैरह का, देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो तीन कनेक्शन आपको दिख रहा है बाहर से किया हुआ है, तो क्या था दिक्कत इसमें कि यहाँ जैक से ये तार जो है निकला हुआ था पहले से, तो इसीलिए ये कनेक्शन तीनों कनेक्शन को यहाँ बेस बोर्ड पे सोल्डिंग कर दिया हूँ। और ये कनेक्शन देख सकते हैं पिक्चर टी को ग्राउंड किया हूँ यहाँ पे, तो सारा कनेक्शन हो चुका है, सिर्फ ऑडियो वीडियो कनेक्शन बाकी है। तो अभी इस किट में लाइन देके देख लेते हैं कि किट चालू हो रहा है कि नहीं, इसके बाद में ऑडियो वीडियो का कनेक्शन। तो सारा कनेक्शन कर लिया हूं और अब जो है मैं इसमें लाइन दे रहा हूं, तो लाइन देने के बाद में देखते हैं कि टीवी चालू हो रहा है कि नहीं। तो अभी मैं इसमें लाइन दे दिया हूं, देखिए टीवी चालू हो चुका है, बट क्या है कि स्क्रीन जो है पूरा छोटा आ रहा है, तो अभी हम इसको ठीक करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम अभी इसका जो वोल्टेज है उसको चेक करेंगे, 110 वोल्ट को चेक करेंगे। तो 110 वोल्ट कहाँ पे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। मीटर को 200 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करना है। और मीटर का एक प्रोड को ग्राउंड में लगा दिया हूँ पीछे साइड देख सकते हैं। और अभी जो है यहाँ पे इसका पावर सप्लाई का ये जो वोल्टेज है देखिए यहाँ पे 108 वोल्ट आउट हो रहा है। तो ये सप्लाई हमारा जो है जाता है ये ESD पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया हुआ ये सप्लाई, और यहाँ से रेजिस्टेंस होकर के यहाँ पे जाता है देखिए ये ESD के इस वाले पिन पे। तो यहाँ पे हमें कम से कम 110 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, ऐसे इसका प्रॉब्लम नहीं है फिर भी जो है 108 वोल्ट है। तो इसको हम 10 से 12 के लगभग कर देते हैं, तो 12 वोल्ट कर देते हैं इसको सेट हम। और इसका वोल्टेज सेट करने के लिए यहाँ पे पावर सप्लाई में प्रीसेट है, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये पावर सप्लाई में एक प्रीसेट है, ये प्रीसेट को एडजस्ट करना है देखिए यहाँ पे। तो अभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, इसके बाद आगे आपको बताता हूँ। तो इसका वोल्टेज को मैं 114 वोल्ट पर सेट किया हूँ, देख सकते हैं इस वाले रेजिस्टेंस पे 114 वोल्ट हमारा मिल रहा है, 114.15 हो रहा है। तो अभी इसका स्क्रीन देख लेते हैं, देखिए अभी बहुत हद तक ठीक हो चुका है, देख सकते हैं ऊपर कट रहा है थोड़ा सा और नीचे हल्का सा है, नीचे नहीं भी एडजस्ट करेंगे तो चलेगा लेकिन ऊपर ज़्यादा कट रहा है। तो इसको हम इसका सर्विस मेनू से ठीक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सर्विस मेनू का यूज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका सर्विस मेनू को ओपन करने के लिए इसमें जो चार्ट मिला है, इस चार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले प्रेस मेनू फ्रॉम रिमोट कंट्रोल, इसके बाद बी में इंटर कोड नंबर 6483। तो चलिए हम इसका सर्विस मेनू को ओपन करते हैं। पहला जो है मेनू बटन को प्रेस करना है, मीनू प्रेस करने के बाद 6483 कोड इसमें डालना है, 6483। तो देखिए इसका जो है कोड काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा हॉल है, तो इसको प्रेस करने से इसका फैक्ट्री मोड खुल जाता है। तो यहाँ पे एक हॉल है, तो इस हॉल को प्रेस करने से इसका सर्विस मेनू खुल जाएगा जिसे फैक्ट्री मोड कहते हैं। तो चलिए इसको हम प्रेस करके देखते हैं, देखिए फैक्ट्री मोड में आ चुका है पर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें इसमें DTH का सिग्नल देना पड़ेगा। तो अभी हम टेम्पररी के लिए DTH का कनेक्शन AV का कनेक्शन कर लेते हैं इसमें, इसके बाद दोबारा से चेक करते हैं।
तो दोस्तों इसमें मैं डीटीएच का कनेक्शन कर लिया हूँ और डीटीएच का कनेक्शन करने के बाद में देख सकते हैं कि फैक्ट्री मोड खुला और पता चल रहा है। तो अभी जो है इसका सेटिंग को और ओपन करना है, जिससे ठीक करना है हमको भी साइज को जो है बढ़ाना है। तो दोबारा फैक्ट्री मोड का इस बटन को प्रेस करते हैं, ये कलर का ऑप्शन खुला है, दोबारा प्रेस किए तो देखिए भी साइज भी पोजीशन भी लाइन, यही तीनों में हमको काम करके देखना है। एच हमारा सही है, भी जो कट रहा है, तो भी को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिमोट का इस वाले बटन से नीचे आएंगे, और भी साइज को हम बढ़ाएंगे तो देखिए इधर बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है, तो हमको सिर्फ ऊपर बढ़ाना है। तो अब भी पोजीशन को हम सेट करते हैं, तो भी पोजीशन को सेट करने के लिए रिमोट का इस वाले बटन से नीचे पहले आएंगे, देखिए भी पोजीशन, इसके बाद फिर इस बटन से बढ़ाना है, देखिए ऊपर आ रहा है, देखिए ऊपर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे भी साइज में दोबारा से जाकर बढ़ाएंगे तो दोनों साइड बढ़ेगा, तो हम रिमोट का इस वाले बटन से ऊपर आएंगे भी साइज में, और अब जो बढ़ाएंगे तो देखिए अब दोनों साइड बढ़ेगा, लास्ट 53 तक जो है इसमें दिया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। भी पोजीशन को भी एक बार देख लेते हैं, सॉरी भी लाइन को देख लेते हैं, भी लाइन को बढ़ाने से क्या होता है, भी लाइन को बढ़ाने से स्क्रीन ऊपर नीचे हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है, ऊपर कट रहा था तो अभी नहीं कट रहा है, नीचे भी नहीं कट रहा है, देख सकते हैं दायां बायां पहले से भी नहीं कट रहा था। तो इसको जो है भी एस सी से जो है इसको एडजस्ट करने के बाद जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका कलर को मिलाना है, तो कलर को भी मिलाने के लिए इसी तरह से आपको कलर में जाकर हर एक कलर को कम बेसी करके देखना है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियो वीडियो का जो कनेक्शन करना है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि किस तरह करना है। देखिए यहाँ पे एक सॉकेट को मैं लगाया हूँ इस तरह टेम्पररी, इसको जो है यहाँ बॉडी में टाइट कर देना है इस वाले जैक से, देखिए इस वाले जैक में कनेक्शन किया हूँ, तो ये हमारा इसमें इधर से दूसरा नंबर वाला जो वायर है ये हमारा वीडियो के लिए है, और ये हमारा ग्राउंड है, और ये दोनों हमारा ऑडियो का आरएल है। तो इस तरह मिला करके आपको कनेक्शन करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।